आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है डीसी का जो स्टार्टर है, मोटर का जो स्टार्टर है उसके ऊपर। ये प्रैक्टिकल 3 पॉइंट स्टार्टर से संबंध रखता है। मतलब ये है कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसके अंदर क्या क्या लगा होता है और उसके अंदर जो भाग है उनकी पहचान करना। तो उसकी जो पहचान है, हमारे पास एक 3 पॉइंट स्टार्टर है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्टार्टर क्या होता है। जो स्टार्टर डीसी मोटर का होता है वह मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है मोटर को सुरक्षा प्रदान करना। यदि मोटर में वोल्टेज कभी हाई हो जाए तो मोटर को जलने से बचाना, या कभी मोटर पर लोड ज़्यादा हो जाए उस लोड से मोटर को बचाना। मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर की जरूरत होती है। तो मोटर का जो ये 3 पॉइंट स्टार्टर है, इसकी जो संरचना है वो यहाँ पर दिया गया है, उसको पहले आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक 3 पॉइंट मोटर का स्टार्टर दिया हुआ है। इसको देखेंगे ध्यान से तो ये जो दिखेगा ये पॉइंटर है। इस पॉइंटर ये नॉर्मल ये जो दिख रहे हैं ये प्रतिरोध हैं। ये प्रतिरोध एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसमें होता क्या है कि जब ये पॉइंटर जो है पहले 0.1 पे जाएगा, फिर 0.2 पे जाएगा, फिर 0.3 होते हुए ये 0.7 तक जाता है। जब यह 0.1 पे रहता है तो उस समय प्रतिरोध का मान जो है प्रतिरोध ज़्यादा रहता है, क्योंकि धारा को 1 से लेकर 7 तक का रास्ता चुनना पड़ता है। जैसे जैसे ये पॉइंटर आगे की तरफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम होने से जो धारा है उसका मान जो है बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे करके मोटर ये जो दिख रही है वो स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टर का जो है आपने डायग्राम देखा, इस डायग्राम में पॉइंटर नज़र आया, उसके बाद एक क्वाइल नज़र आई और क्वाइल के साथ साथ एक ओवरलोड क्वाइल भी नज़र आई। मतलब दो क्वाइल, ओवरलोड क्वाइल और एक नो वोल्ट क्वाइल। नो वोल्ट क्वाइल को शॉर्ट में NVC बोलते हैं और ओवरलोड क्वाइल को OLC बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस स्टार्टर को खोलेंगे और इसके भागों का अध्ययन करेंगे कि कहाँ पर NVC है, कहाँ पर OLC है, मतलब नो वोल्ट क्वाइल कहाँ है, ओवरलोड क्वाइल कहाँ है और इसका जो है पॉइंटर कहाँ है। क्योंकि ये मोटर का जो पॉइंटर है इसका जो हैंडल है निकल चुका है, मैं हैंडल के रूप में इसको प्रयोग में ला रहा हूँ। यदि मैं इसको ऐसे करके, अब मोटर को स्टार्ट करने का तरीका है ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ाना, धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ाने से ये जाकर पॉइंटर यहाँ पर फिक्स हो जाता है। फिक्स होने से क्या होता है, मोटर स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बिजली जाती है तो ये अपने आप अपनी जगह पर चला आता है, जिससे फिर से जब बिजली आए तो डायरेक्ट मोटर स्टार्ट न हो। जैसे आपने सबमर्सिबल में देखा होगा, जो ऑटो पार्ट सबमर्सिबल जो होता है उसमें जब लाइट जब चली जाती है फिर से जब बिजली आती है तो वो स्टार्टर को सबमर्सिबल को शुरू करने के लिए फिर से पॉइंट दबाना पड़ता है। मतलब कि बिजली के जाने से ये जो है ऑफ कंडीशन में चला जाता है और मोटर जो है जलने से बच जाता है। अब थोड़ा पास में आइए, इसको दिखाइए, मैं इसको खोल रहा हूँ। इसके मैं दो, यहाँ पर दो स्क्रू है, इन दोनों स्क्रूपों को मैं खोल दूंगा। एक स्क्रू यहाँ पर भी है, इसके कवर को हटा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि एक यहाँ क्वाइल नज़र आ रही है और यहाँ पर ये जो पॉइंटर का जो मैं हैंडल लगाया था, हैंडल जो निकल चुका था ये दिख रहा है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये नट के रूप में 0.1, 0.2 यहाँ पर फिर डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। यहाँ डायग्राम में देखिए 1, 2, 3 ऐसे जो लिखा हुआ है ये 1, 2 ये नट ऑफ नट दिख रहे हैं, ठीक है। जब ये अपने इनिशियल कंडीशन में रहेगा तो ऑफ रहेगा, और जैसे ही इसको आगे की तरफ बढ़ाने शुरू करेंगे तो ये अब धारा को आगे की तरफ बहाना शुरू कर देगा, और बहाते बहाते धीरे 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 के मोटर को स्टार्ट जब करेगा तो यह इस क्वाइल के पॉइंट में जाकर इस तरीके से फिट हो जाएगा, और जैसे ही बिजली जाएगी तो इसको छोड़ेंगे तो ये अपने जगह पर चला जाएगा। चलिए अब इसको मैं इसके अंदर भी खोलता हूँ, इसको दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से हमने दोनों स्क्रू को खोल लिया है, ये स्क्रू यहाँ पर है
अब मैं क्या करूंगा, इस स्टार्टर के पूरे पॉइंट को बाहर निकालूंगा। ये हमारा स्टार्टर है। ये स्टार्टर के जो भागों को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वाइल है वो होल्डिंग क्वाइल नजर आ रही है। ये जो क्वाइल यहाँ पर देखेंगे ये होल्डिंग क्वाइल है। ये यहाँ पर जाकर यहाँ से ये चिपक जाता है, जिससे ये फिक्स बना रहता है। जैसे ही बिजली जाती है तो ये पॉइंटर अपने जगह पर फिर से चला जाता है। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ाते हैं, वो मोटर स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही इसको छोड़ते हैं ये पॉइंटर जो है अपने जगह पर चला आता है। यहाँ पर तीन थे पॉइंट दिख रहा है। तीन पॉइंट दिखाने का मतलब है कि ये थ्री पॉइंट स्टार्टर है। थ्री पॉइंट स्टार्टर में को एल, दूसरे को ए और तीसरे को एफ कहते हैं। जो एल है वो लाइन है। एल जो है इसमें एक जो तार, जो दो फेज और न्यूट्रल में एक तार इसमें आकर जुड़ जाता है। जो दूसरा तार है वो ए कहलाता है, वो ये मोटर से जाकर जुड़ता है। और तीसरा कॉइल जो है एफ है, ये फील्ड से जाकर जुड़ता है। मतलब मोटर से ये कॉइल जाएगी और दूसरा दूसरा पहले तार में ये इसको जोड़ देंगे। अब इसमें एक मोटर के एक तार को जोड़ देंगे और इसमें फील्ड कॉइल जुड़ जाएगी। मोटर में ही जो फील्ड कॉइल होती है उसी में जाकर वो जुड़ जाएगी। और जो दूसरा न्यूट्रल तार होगा वो मोटर में और फील्ड में डायरेक्ट जाएगा। और इस तरीके से क्या करेंगे कि इस मोटर को जब शुरू करेंगे तो ये जो है स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही बिजली जाएगी अपने पुराने इनिशियल कंडीशन में चला जाएगा। यहाँ पर ये जो कॉइल दिखा रही है होल्डिंग कॉइल नज़र आ रही है। अब नीचे की तरफ देखेंगे जब इसको, यहाँ पर अंदर की तरफ, तो यहाँ पर ओवरलोड कॉइल नज़र, चूँकि यहाँ पर ये स्टार्टर जो है ख़राब कंडीशन में पड़ा हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ पर ये ओवरलोड कॉइल नज़र नहीं आ रही है। यहीं पर ओवरलोड कॉइल होती है, इसके अंदर ही ओवरलोड कॉइल जो है। यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है ये ओवरलोड कॉइल, यहाँ पर है। यहाँ पर भी एक जो है बीच में, दिखाइए इधर, बीच में एक जैसे यहाँ पर एक कॉइल बनी हुई है, यहाँ पर भी एक कॉइल होती है। वो जो कॉइल है वो ओवरलोड कॉइल से कनेक्ट होती है। जैसे ही लोड ओवर होता है तो उसका पॉइंटर जाकर जैसे पेन है उसे चिपक जाता है और फिर से ये मोटर जो है जैसे यहाँ से यहाँ पर रहती है। जैसे ही लोड ओवर होता है तो ऐसे अपने इनिशियल कंडीशन में चली जाती है। यही मोटर के जो है मुख्य भाग है और इसका जो है मुख्य सिद्धांत है, इसके स्टार्टर का मुख्य सिद्धांत है। तो हमने ये पढ़ा कि थ्री पॉइंट स्टार्टर में कौन कौन से भाग होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। धन्यवाद।